हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताइए कि भैया और पापा कैसे हैं? अच्छा, अरे माँ क्या हुआ? अभी तक तुम्हारी खांसी ठीक नहीं हुई क्या? ओफो माँ, आप भी ना ठीक है, आप ना चिंता मत कीजिए। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और अब की बार मैं मायके आऊँगी ना तो आपके लिए खांसी की अच्छी सी दवाई लेकर आऊँगी। देखना आपकी खांसी यूं छुमंतर हो जाएगी। बेटी गुलाबो, मेरी खांसी की दवाई तो लाना। अच्छा माँ, मैं आपको ना 10 मिनट बाद फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, ओके बाय माँ। ए बुढ़िया, तू क्यों चिल्ला रही है? तुझे सांप लड़ गया क्या? बेटी गुलाबो, तू हमेशा इतने गुस्से में क्यों बात करती है मुझसे? कभी प्यार से भी बोल लिया कर, मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। बुढ़िया अपनी जुबान ना तो कम चलाया कर, वरना एक दिन से काट कर फेंक दूंगी, समझ गई? और एक बात तू ध्यान से सुन ले, तू मेरी माँ नहीं, तू मेरी सास है। सास? बेटी मैं तेरी माँ ही हूँ। अब ये ना माँ वाला ढोंग बंद कर और चुपचाप सीधे सीधे बता दे कि तूने मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया है। बेटी आज सुबह से ही ना खांसी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, तुम्हें मेरी खांसी वाली दवाई ला दे। क्यों बुढ़िया, तू खुद अपनी दवाई नहीं ला सकती क्या? तेरे पैरों में मेहंदी लगी है, और अगर दवाई मंगवानी है तो अपने बेटे से मंगवा ले, और अगर आज के बाद मुझे दवाई के लिए बोला ना तो। बेटी मैंने मटरू को कई बार दवाई के लिए पैसे दिए, पर वो उन पैसों की शराब पी जाता है। तो फिर इसमें मैं क्या करूं? आखिर बेटा तो वो तेरा ही है ना, और वैसे बुढ़िया तो हमेशा बीमार ही रहती है। कभी तेरे सिर में दर्द, कभी तेरी कमर में दर्द, कभी तेरे पैरों में दर्द। तू तो चलती फिरती बीमारी की दुकान है दुकान। हाँ अगर तू माने तो मैं तुझे एक सलाह जरूर दे सकती हूँ। हाँ बेटी बोल, मानूंगी। तो फिर बुढ़िया तू किसी कुएं या नदी में जाकर ना डूब कर मर जा, और कम से कम हमें तो चैन मिलेगा। तू तो चलती फिरती बीमारी का घर है, मर जाएगी ना कम से कम हम तो शांति से रह लेंगे। अब देख सलाह तो मैंने तुझे बिल्कुल एक नंबर की दी है, अब तुझे मानना है कि तू इसे मानेगी या नहीं मानेगी। मतलब के तू बीमारी में इसी तरह तड़प तड़प के मरना चाहती है या फिर डूब कर। आइडिया, इस बुढ़िया से ना पीछा छुड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है, इससे बढ़िया तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। बुढ़िया को बहुत जोर की खांसी की बीमारी है, अगर मैं खांसी की दवाई के बहाने बुढ़िया को शराब पिला दूँ तो बुढ़िया को नशा हो जाएगा, और फिर गांव के कुछ लोगों को बुलाकर बुढ़िया को मैं बदनाम कर दूंगी, और बेचारी बुढ़िया बदनामी के मारे वैसे शर्म से अपनी जान दे देगी, और बुढ़िया से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा मेरा, और फिर इस घर में मालकिन बन के आराम से राज करूंगी मैं। वाह गुलाबो वाह, क्या दिमाग है तेरा। अब एक काम करती, जल्दी से ना इस काम को अंजाम देती। अरे मेरी बेटी खुश रह, तू भगवान तेरा सदा भला करे। सासू माँ, डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई आपको एक बार में पूरी ही पीनी होगी, तब जाके आपकी ये खांसी खत्म होगी। बेटी ये तो बहुत कड़वी है, मुझसे नहीं पी जाएगी। ओह फो मेरी भोली भाली सासू माँ, अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है। लाओ मैं ना इसे अपने हाथों से आपको पिलाऊंगी, और फिर देखना आपकी खांसी कैसी छुमंतर हो जाएगी। आ
अरे पीजिए सासू माँ, आपकी खांसी ठीक करनी है ना। मजा बुढ़िया, जब सभी गांव वालों को पता चलेगा कि मेरी सास तो शराब पीती है, तेरी कितनी बदनामी होगी। क्या तूने मुझे शराब पिलाई है? हाँ बुढ़िया, मैंने तुझे शराब ही पिलाई है। अब देख, मैं जल्दी से जाके ना सभी गांव वालों को बुला कर लेके आती हूँ, फिर देख तेरी कैसे बदनामी होती है। रुक तो 5 मिनट हुआ। कर ला जा। अरे नहीं सासू माँ, अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद ना मैं आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी, बस आप मुझे माफ कर दो।